हेलो स्टूडेंट्स, इन ईवीएस आई एम टीचिंग चैप्टर वन. चैप्टर नेम इज ऑल अबाउट मी. टुडे आई एम गोइंग टू टीच फ्रॉम द लास्ट पैरा ऑफ पेज नंबर 6. माय फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल. लेट्स स्टार्ट. माय फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल. मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है. इससे पहले आपने रोहन के बारे में पढ़ा था, रोहन के कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स. रोहन ने अपने बारे में बताया था कि क्या वो पसंद करता है और क्या वो नहीं पसंद करता है. इसके बाद उसने अपनी कुछ हॉबी भी बताई थी कि उसे ड्राइंग और पेंटिंग पसंद है और बड़ा होकर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है. इससे आगे रोहन अपने बारे में और कुछ बताता है. रोहन कहता है, माई फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल. मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है. एंड आई हैव मेनी हॉबीज बिसाइड पेंटिंग. और बिसाइड्स पेंटिंग मतलब पेंटिंग के अलावा, आई हैव मेनी हॉबीज, मेरे बहुत सारे शौक हैं. आई कलेक्ट स्टैम्प्स. मैं टिकट जो है वो इकट्ठा करता हूँ. एंड आई इंजॉय कुकिंग. और मैं कुकिंग को इंजॉय करता हूँ. खाना बनाना रोहन को अच्छा लगता है. कुकिंग इंजॉय करता हूँ. आई लव द वे फूड चेंजेस. इन अपीयरेंस एंड टेस्ट एज इट इज कुक्ड. आई लव द वे. मैं लव प्यार करता हूँ द वे जिस तरीके से फूड जो है वो चेंजेस बदलता है. इन अपीयरेंस देखने में भी फूड जो है बदल जाता है. एंड टेस्ट और उसका टेस्ट भी बदल जाता है. एज इट इज कुक्ड जैसे भोजन को पकाया जाता है. फूड का जो अपीयरेंस है वो देखने में भी फूड जो है चेंज हो जाता है और उसका स्वाद भी बदल जाता है. माई फ्रेंड्स से दैट मेरे मित्र कहते हैं कि यदि आई डोंट बिकम अ फोटोग्राफर, यदि मैं फोटोग्राफर नहीं बन सका, आई कैन बिकम अ सेफ इन फैंसी होटल. तो मैं किसी फैंसी होटल में सेफ जरूर बन जाऊंगा. रोहन को कुकिंग का बहुत शौक है. बहुत अच्छा खाना बनाता है. इसके खाने अच्छा खाना बनाने की वजह से इसके मित्र इसको कहते हैं कि अगर तुम फोटोग्राफर नहीं बन पाए तो किसी बहुत अच्छे फैंसी होटल में सेफ जरूर बन जाओगे. माई फ्रेंड रितु लव्स टू लिसन म्यूजिक. मेरी फ्रेंड ऋतु को म्यूजिक पसंद है. यहाँ पे टू नहीं होगा. सी ऑल्सो लव्स मेकिंग थिंग्स विथ हर हैंड्स. सी ऑल्सो लव्स मेकिंग थिंग्स विथ हर हैंड्स. वो अपने हाथों से चीज़ों को बनाना पसंद करती है. वो अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाती है. सी मेक्स ब्यूटिफुल थिंग्स आउट ऑफ सी मेक्स ब्यूटिफुल थिंग्स. वह बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती हैं आउट ऑफ थ्रो अवे मटेरियल्स. बहुत सारे थ्रो अवे मटेरियल मतलब बेकार पदार्थों से वे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती है. जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्स से, इम्पटी खाली टिन से, बॉटल से, टूटी हुई चूड़ियों से, इत्यादि से. She will probably become an interior designer. She will probably, वह संभवतः, become मतलब बनेगी an interior designer. वह निश्चित रूप से एक संभवतः एक interior designer जो है वो बनेगी. Or an architect, या फिर वह एक architect बनेगी. When she grows up, जब वह बड़ी होगी. She also loves to play hockey. वह हॉकी खेलना भी पसंद करती है. She is in the school hockey team. वह स्कूल के हॉकी टीम में भी है. रोहन की जो फ्रेंड है रितु, इसको थ्रो अवे मटेरियल बेकार पदार्थों से सुंदर सुंदर चीजें बनाना पसंद है.
उसकी हॉबी को देखकर रोहन कह रहा है कि निश्चित रूप से या तो वह इंटीरियर डिजाइनर या फिर एक आर्किटेक्ट बनेगी। वी ऑल आर डिफरेंट, हम सभी डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। वी हैव डिफरेंट टैलेंट्स, हम सबके अंदर अलग अलग टैलेंट्स है, अलग अलग प्रतिभाएं हमारे अंदर है। एंड इंजॉय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और इंजॉय अलग अलग चीज़ें करने में हम आनंद लेते हैं। हम सबकी हॉबीज अलग हैं, हम सबकी प्रतिभाएं अलग हैं, अलग अलग चीज़ें करने में हमें आनंद आता है। नाउ टेल अस अबाउट यू, आप अपने बारे में कुछ बताइए। व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक डूइंग बेस्ट, क्या चीज़ें हैं जो आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है। व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। इज़ योर हॉबी रिलेटेड टू व्हाट जॉब यू वुड लाइक टू डू, आपकी हॉबी क्या उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है, जिस प्रकार के कार्य आप करना चाहते हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी हॉबी क्या है, और क्या आपकी हॉबी आपके जॉब से संबंधित है, मतलब क्या बड़ा होकर आप उसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं, उसी प्रकार का कुछ बनना चाहते हैं जिसमें वो कार्य करना पड़े। फाइंड आउट व्हाट योर फादर्स एम्बिशन वाज व्हेन ही वाज यंग, जब आपके पापा यंग थे, जब आपके पापा छोटे थे, तो उनका क्या एम्बिशन, क्या लक्ष्य था। डिड ही अचीव व्हाट ही वांटेड, क्या जो वह चाहते थे उन्होंने उस चीज़ को पा लिया है। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं, आपको ये फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। नेक्स्ट है व्हाट योर मदर्स एम्बिशन, आपकी माँ का लक्ष्य क्या था। वाज व्हेन शी वॉज यंग, जब वह छोटी थी तो आपकी माँ का एम्बिशन क्या था। वाज सी एबल टू डू व्हेन सी वॉन्टेड, व्हाट सी वॉन्टेड, क्या जो वह चाहती थी उसको करने में वह समर्थ हो गई। इफ नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं, ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है माई बॉडी, डू यू रिमेंबर व्हेन यू वोर योर क्लॉथ एंड फाउंड दैट योर पैंट्स और स्कर्ट हैव बिकम टू शॉर्ट, और दैट योर शर्ट हैज बिकम टू टाइट। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। व्हेन यू वोर योर क्लॉथ, जब आपने अपना कपड़ा पहना। एंड फाइंड आउट, और आपने यह पाया, फाउंड एंड फाउंड दैट, और आपने यह पाया कि योर पैंट्स, आपके पैंट या फिर स्कर्ट हैव बिकम टू शॉर्ट, वो छोटे हो गए हैं। एंड योर शर्ट बिकम टू टाइट, और आपकी जो शर्ट है वो टाइट हो गए हैं। व्हेन डिड योर मदर टेक यू टू द शॉप टू बाई अ न्यू पेयर ऑफ शूज, व्हेन डिड योर मदर टेक यू टू द शॉप टू बाई अ न्यू पेयर ऑफ शूज, कब आपकी माँ, व्हेन डिड योर मदर, कब आपकी माँ टेक यू, आपको ले गई टू द शॉप, दुकान में, टू बाय, खरीदने के लिए, अ न्यू पेयर ऑफ शूज, नए जोड़े जूते। बिकॉज, क्योंकि योर ओल्ड पेयर ऑफ शूज हैव बिकम टू टाइट, क्योंकि आपके जो पुराने जूते थे वे टाइट हो रहे थे, छोटे हो रहे थे। तो क्या आपको याद है कि आपकी माँ आपको कब जूते की दुकान पे ले गई। इसमें एक दो लाइन छूटा है, पिक्चर पूरा नहीं आ पाया है। तो नेक्स्ट डे इस हेडिंग को हम फिर से पढ़ेंगे, माई बॉडी।